एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज ज्योतिष सलाम में हम बात कर रहे हैं, जब भी प्रेम संबंधों के बारे में, जैसा हमने पहले वीडियो में बताया कि किस तरह से पांचवें भाव को देखा जाता है और सप्तम भाव के बारे में बताया किस तरह से आपका वैवाहिक जीवन को देखा जाएगा सप्तम भाव से। उसके साथ साथ में आज हम जो बात कर रहे हैं द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव, अगर कुंडली में आपको कोई अगर झूठ बोलता है प्रेम संबंधों के कारण या वैवाहिक जीवन में और या फिर वो अपनी बातें छुपाता है, मन की बात छुपाता है, तो वो आपको कुंडली में कैसे देख सकते हैं उसकी संक्षिप्त जानकारी। तो इस तरह से अगर जब भी प्रेम संबंध आपके चल रहे हैं और उसमें अगर द्वितीय भाव आपका अगर पीड़ित है, द्वितीय भाव पीड़ित हो कब होगा, जब पाप और क्रूर ग्रह वहाँ बैठते हैं तो वो पीड़ित द्वितीय भाव को करेंगे। द्वितीय भाव को पीड़ित करने के लिए पाप ग्रह जो हैं वो है राहु शनि है और जो क्रूर ग्रह है सूर्य और मंगल है, अगर ये वहाँ पे बैठ जाते हैं तो व्यक्ति जो है युक्ति सेक्स के लिए झूठ बोलता है, व्यक्ति में जो है झूठ बोलने की आदत रहती है। इसी तरह से अगर चतुर्थ भाव अगर मन का भाव कहलाता है और ये यहाँ पे चतुर्थ भाव पे और चंद्रमा जो है इसका कारक है, इस पे अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो या क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो जो अभी हमने बताया, तो जो भी व्यक्ति है वो मन की बात छुपाता है, वो अपने खुल के बात नहीं करता है और इसलिए वो प्रेम संबंधों में फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरह से द्वितीय भाव चतुर्थ भाव को भी ज़रूर देखिए, जब आप प्रेम संबंध आपके बन रहे हैं तो अगर ये भाव पीड़ित हैं तो आपको जो अभी हमने बताया कि व्यक्ति जो है झूठ बोलता है और अपनी मन की बातों को भी छुपाता है, तो ये इस तरह से आप अपने कुंडलियों में देख सकते हैं। आपको विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड, इस पे वीडियो उपलब्ध हैं, आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, चैनल सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।